अच्छा जी पहले ये बता दें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही कैन वी मेक चेक होर आवाज़ आ रही है आप लोगों को आवाज आ रही है सबको इज़ माई वॉइस ऑडिबल आवाज़ आ रही है सबको आवाज़ आ रही है हैवी आवाज़ आ रही है ये बता दें ज़रा जी एम आई ऑडिबल असलकम ये बता दें भाई सब आवाज़ आ रही है नहीं आ रही इज एम आई ऑडिबल कैन यू ऑल हेयर मी आवाज़ आ रही है सबको कैन यू ऑल्सो मेक अ चेक हाँ जस्ट मेक अ चेक इफ एम इन नॉट असल वरह लि वरकू उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम मेरा प्यार uh, जो लोग भी ये भी मुझे सुन रहे हैं एंड वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू और uh, सबसे पहली बात तो यह है कि अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ ज़िंदगी में ये मामला होते रहते हैं और uh, हो जाता है इंसान के साथ एंड uh, हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है इट्स पार्ट ऑफ द गेम इट्स पार्ट ऑफ़ लाइफ और मगर uh, हमें सीखना चाहिए उससे क्या है हार से भी सीखना चाहिए जीत से भी सीखना चाहिए तो पहली बात तो ये है कि जी uh, किसी की तजलील ना करें किसी की तकीर ना करें हमेशा हौसला अफज़ाई की जाती है टूटे हुए वक्तों के अंदर लोगों की यह बड़ी मनफियत है कि यार हम अपने ही लोगों को उन वक्तों के अंदर जलील करना शुरू कर दें जब उनकी ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट टाइम होते हैं तो आई हैव हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने लिहाज से इन प्रेशर से गुजरा है और वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ हार्ड लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक एक विनिंग स्ट्रीक के अंदर इतनी बड़ी शिकस्त इंसान के साथ हो जाए तो ये डेफिनेटली डाइजेस्ट करना इज़ वेरी हार्ड इट्स इज़ डिफ़िकल्ट तो पहली बात तो ये है कि जिस कौम में हारने का जज्बा है हार कबूल करने का ज़र्फ़ है जिगर है कलेजा है मैं तो आज आपसे कहूँगा कि आज तो हमारी जो छोटी मोटी तकरीरें कौम की ख़िदमत है उसको डेफिनेटली जितना भी शेयर कर सकते हैं करें क्योंकि वो हौसला दिलाने वाली होती हैं इन्हीं वक्तों में इंसान के ये बातें काम आती हैं कि जब मेन एक वो वक्त होता है जब सब नकद कर रहे होते हैं जब मैं एवरीबडी इस क्रिटिसाइजिंग यू उस वक्त इंसान जो खड़ा होता है ना एक वो इंकलाब है इंसान की ज़िंदगी का और एक वो लम्हा होता है लम्हे तो वो होते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता लम्हे तो वो होते हैं जब इन लोग आपकी रूहानी खुदकुशियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब तजमील तकमील तहसीन के जितने भी सीगे हैं वो आपका साथ छोड़ के चले जाएँ लम्हे तो वो होते हैं जब वो इश्क कमाल तक नहीं पहुँच पाता आज एक ए, आज एक इश्क कमाल तक नहीं पहुँच सका तो ये लम्हात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बनाते हैं याद बनती हैं उसकी ज़िंदगी में ये सख्तियाँ उसकी याद बन जाती हैं सो यू नो फॉर यू टू परफॉर्म इन लाइफ एंड फॉर यू टू गेट अप फ्राम योर बेड एवरी डे अपने बिस्तरों से अपनी कमर और अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी और बिस्तर का ताल्लुक तोड़ने के लिए जज्बात चाहिए इंसान को आग चाहिए इंसान को और इंसान को न वो दर्द चाहिए वो कर्ब चाहिए वह हम चाहिए वो गम चाहिए वो मिलता ही तब है जब उसके कलेजे को हिट लगती है वो मिलता ही जब ये दुख और ये गम ना हो तो ये इंसान को खड़ा करने के लिए जो है ना ये जज्बात रखे इसलिए गए तो ऐसे वक्तों में ही किरदार दिखाया जाता है मैार दिखाया जाता है मिजाज दिखाया जाता है ऐसे वक्तों में ही रिवायत कायम की जाती है इन्हीं लम्हात के अंदर इंसान जो है एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इमेज बिल्डिंग जो ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा प्रस्पेक्टिव है कि ये लफ्ज़ जाना चाहिए भाई कि साइकोलॉजिकल जंगे हम नहीं हार सकते इतनी आसानी से तो आप देख लें कि बराबर वाला जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा इसको हमारे तमस्खर के लिए तहकीर के लिए कोई मसले की बात नहीं आप मैंटली साइकोलॉजिकल इमेज ब्रांडिंग करते हो हमेशा कि हम जो हैं वो इन मिज़ाज को भी ऐसे लेके चलते हैं पूरी कौम को एक डिसप्लिन दिखाना चाहिए पूरी कौम को एक मिजाज दिखाना चाहिए हर मदे मुकाबिल को एक कौम को मिजाज दिखाना चाहिए कि हम क्या कुछ ले सकते हैं कितना प्रेशर ले सकते हैं और कितना प्रेशर दे सकते हैं अगले को कितना जो है चाय जो है कितनी अच्छी बनाते हैं ये चाय कितनी अच्छी पिलाते हैं सो राइट नाउ शो द दटमोस कैरेक्टर और उस वक़्त भी जब जीत चल रही थी तब भी कैरेक्टर दिखाना चाहिए ये देखें आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीते हैं ना फते मक्का हुआ तो अल्लाह ने क्या कहा फसब रबे का इज़ तस्बे एंड देर इज़ इस इन देंड हम दिन द मिडिल ऑफ दिस आया तो तस्बी और हम इसलिए कि क्रेडिट खुद नहीं लेना और इस्तफार इसलिए कि कहीं ना कहीं एस ओ पीज़ टूटे होंगे कहीं ना कहीं उसूल टूटे होंगे कहीं ना कहीं मामला जो है वो मैार से गिर के इंसान से हो जाता है रस्तों के बीच के अंदर तो क्या करना है हमें हमें इसतगफार करनी है हमें तोबा तायब होना है वी हैव टू रिपेंड बैक ऑन आवर मिस्टेक्स एंड वी हैव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू अल्लाह सुबह तक ये एक माइक्रो लूज हुआ है वो कहते हैं ना वी हैव लॉस्ट द बैटल लॉस्ट द वॉर तो छोटी जंगें हरी जा सकती हैं बड़ी जंगें जीतने के लिए शंजू भी कहता है आउट ऑफ वॉर के अंदर सम बैटल्स टू विन बिग वॉर्स तो पहली तो बात यह है कि मनफियत ना फैलाएं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहें हौसला दें और अपने मेन प्रस्पेक्टिव पे है कॉम का प्रस्पेक्टिव जो है वो और बड़े चैलेंजेस हैं ठीक है ये एक माइक्रो था एक शुगल थी एक खेल था बट वी हैव अदर चैलेंजेस टू मीट मैं तो आज प्रदेश में खुद भी बैठा हूँ और यहाँ के मसाइल सुन रहा हूँ पाकिस्तानियों के क्या मसले हैं पाकिस्तानियों को किस किस्म की तकलीफ से दो चार होना पड़ रहा है यहाँ पर और जो है और हर तबके से मेरी मुलाकात हो रही है कॉपरेट सेक्टर से ले कर टैक्सी ड्राइवर से ले कर बिजनस मैनों से ले कर मीटिंग पीपल हेयर इज़ वेल अगरचे मेरे और भी काम चल रहे हैं तो वी हैव अदर चैलेंजस वी हैव वेरी बिग चैलेंजेस फॉर आर कंट्री तो पहले तो हमें एक दूसरे को कलेक्ट करना चाहिए पमन तो जहदया ने नारी बहुत खिल जन्न फ़कत फ़ास असल जीत और हार जन्नत है और आखरत है इसको सामने ये बड़ा माक्रो है ये बड़ा ग्रैंड जनेरिक मैक्रो है इसके तहत माइक्रोज देखे जाते हैं इसके तहत माइक्रो मामलों में जीत हार देखी जाती है तो शो आ वेरी स्ट्रॉग पॉजिटिव कैरेक्टर किसी की ज़िंदगी का नाइटमेयर मत बनाएं आज एंड स्टैंड विद योर बॉयज़ अपने बच्चों के साथ खड़ा होता है आदमी एंड दैट्स पार्ट ऑफ दैट्स पार्ट ऑफ अ वेरी पॉजिटिव लीडरशिप वी वी नीड टू शो राइट ना तो और गलतियाँ होंगी और लोगों की गलतियों को हाई लाइट ना करें पब्लिकली उनकी लाइफ को हाई लाइट ना करें उनकी ज़िंदगी पे नकद ना करें और ज़रफ़ दिखाएँ अपना हमारे बच्चे जो हैं अगर आज उनका दिल टूटा भी है हिम्मत दिखानी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए और इसको अपना हरफे आखिर ना बना लें कुल ना बना लें जो थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसको कुल ना बनाएं ये जिंदगी है ये चलता रहता है माजी में कितने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में कितने फॉल्स आए हैं एंड दोज लर्न टू फॉल विल नेवर एवर मास्टर द आर्ट ऑफ राइजिंग बैक अगेन जो हारने का वल नहीं सीख सके वो जीतने का फल क्या खाएंगे तो मजा ही तब है जीतने का जब हारने की हार हार हारा हुआ हो इंसान शिकस्त होती है जो इंसान को ग्राइंड करती है शिकस्त होती है जो इंसान को बनाती है शिकस्त होती है जो इंसान के अंदर जो ना उसको एक, उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन कराती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को मैंने सिर्फ इस लमहे के ऊपर कहा कि मैं कुछ आप लोगों से बात भी करूँ कुछ नसीहत भी करूँ और खैर खाई करनी चाहिए सबकी एंड इट्स ऑल फाइन

वी हैव टू लीड एंड मूव अड विद बाई सेटिंग एग्जाम्पल्स फॉर आर पीपल एंड ब्लेस यू ऑल सबको मेरी दुआएँ हैं सब को मेरा प्यार है एंड uh, बाकी मैं कोई सवाल जवाब का सेशन तो आज ले नहीं सकता बस यही कहना चाह रहा था कि इट्स ऑल ओके इट्स ऑल फाइन चलता रहता है तो भाई जान किसी के ऊपर तनकीद नहीं करिएगा खास किसी को ले कर उसकी ज़िंदगी को आज के दिन में टफ़ ना करें मगर उसको अच्छा वो है जो अच्छी बात करें जुबान से अच्छी बात करें अपने जो है ना बी पॉजिटिव विद द पीपल पीपल डाउन और जो हारे होते हैं जो टूटे होते हैं जो बिखरे होते हैं और जिन्होंने ये फॉल्स देखी होती है ना नाइफ लाइफ में वो जानते हैं कि दर्द क्या होता है बाक़ी घटिया बने घटिया दुश्मन और उसका घटियापन और उसकी घटिया उसके गिरे हुए स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम नहीं आ सकते बाकी मुश्किल था हजम करना लोगों के लिए कि यहाँ तक भी पहुँच गए इट्स ऑल इट्स ऑल फाइन इट्स ऑल गुड कोई मसला नहीं है वी आर दी अनप्रडिक्टेबल्स वी कैन वी हैव ऑलवेज बिन अनप्रडिक्टबल पाकिस्तान एक अनडिफाइंड नेशन है और कभी भी किसी साइड के ऊपर कहीं भी चाय की दावत दे सकती है किसी को भी इट्स ऑल फाइन घबराने की जरूरत नहीं है एंड लेट्स गेट बैक टू वर्क काम करना फिर से शुरू करें आ, एक था एक माइक्रो चल रहा था वी आर वर चैलेंजेस फ़ॉर दंट्री अल्लाह ताली कौम मुल्क की खिदमत करने की तोफीक था फरमाएँ एंड uh, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी क्यादतों को अपनी जिम्मेदारियों को समझें वॉट ड्यू हेफ टू डू फॉर द कंट्री फॉर द रोमा फ़ॉर द रिलीजन फ़ॉर ह्यूमानिटी एंड फ़ॉर द माइक्रो बिगर पिक्चर जो अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है दुनिया में काम करने की इट्स ऑल फाइन तो अपने अपने uh, मामला में वापस लौटें एंड टेक लाइफ नॉर्मली अल्लमक वरहि वर्का